सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे गाइस। आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पता है आपको रैंक सीजन स्टार्ट हो चुका है और मैक्सिमम बंदे लग पड़े हैं दौड़ ग्रैंड मास्टर की ओर रैंक पुशिंग करने। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप जहाँ जाओ जल्दी से, क्योंकि रैंक पुशिंग की दौड़ में सभी लग चुके हैं। और जो इसका आप पीछे बैकग्राउंड में गेम प्ले देख रहे हो ना, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन गार्ड में कुछ ऐसे बंदे देख रहे हो जो ग्लोबल के टॉप वन पे हैं। और गाइस ये इतने प्रो प्लेयर हैं गाइस, एकदम से जाग उठते हैं गाइस। जैसे रैंक सीजन स्टार्ट होता है 2 महीनों के बाद ये एकदम से आ जाते हैं लगातार। ऐसे पहले तो ये मिलते नहीं है, गायब हो चुके होते हैं। उसके बाद ये इतनी जल्दी आते हैं कि कोई 50-60 गेम्स में ये ऊपर एकदम ग्लोबल के टॉप पे दिखाई देते हैं। ग्रैंड मास्टर टॉप वन प्लेयर #1v1 ग्लोबल टॉप वन प्लेयर। और गाइस फट एक मिनट से पहुंच जाते हैं गाइस। अभी मैं प्लैटिनम 5 पे हूं या 6 पे, सॉरी डायमंड 1 पे हूं, तो मैं डायमंड 1 पे हो चुका हूं, लेकिन ये बंदे ग्रैंड मास्टर पे पहुंच चुके हैं गाइस, प्लस करके ग्लोबल टॉप पे पहुंच चुके हैं। एकदम 12 घंटों में ये ग्लोबल टॉप पे पहुंच जाते हैं एकदम से। इनका पॉइंट देखिए आप, 5000 3000 4000 ऐसे कुछ होता है। सो अगर आपको नहीं पता कि ग्लोबल के टॉप पे कैसे जाया जाता है तो हम उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं जाट के बारे में, जो कि आप ग्लोबल के टॉप नंबर 3 पे देख पा रहे होंगे। जाट की बंदा हर सीजन हैकर के साथ खेल के पहुंचता है, और ये मेरे पास प्रूफ भी है, क्योंकि पिछली वीडियोस में जो कि मैंने पिछले सीजन की वीडियोस हैकर्स की डाली थी, ये जाट उसके साथ सामने खेलते हुए दिखा था। ये मैक्सिमम अभी भी हैकर के साथ गया होगा, अभी तक मेरे को तो हैकर मिले नहीं है, लेकिन हैकर गेम में आ चुके हैं। मैक्सिमम टाइम रैंक गेम में मेरे दोस्त की गेम में आ चुका है हैकर, जो कि फेयर गेम प्ले करने वाले बंदे हैं, जैसे कि हमारी तरह हो गए फेयर गेम प्ले करने वाले। वो बंदे इसी की सोच में रहते हैं कि हम ग्रैंड मास्टर जाएंगे, इस बार हम पूरा पुश करेंगे, 24 आवर्स खेलेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो कि डबल रैंक टोकन वाली आईडी है वो आगे चली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने वाला बंदा है जो कि बंगाली में नाम लिखा है, शायद तमिल में लिखा है, वाईटी कुछ ऐसे करके है, एक ही लाइट पास लिया है, इसके पीछे वाले लाइट पास सारे गायब हो चुके हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। लेकिन ये ग्लोबल टॉप वन पे है, एकदम से आता है और ग्लोबल टॉप कर जाता है, पता नहीं कैसे कर जाता है वो, क्योंकि जादू है भाई, जादू की नगरी है ये, ग्लोबल टॉप वन करना तो जादू की नगरी है ना एकदम। ये देखिए बंदे पीछे का नहीं कोई जा नहीं, लेकिन जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है ये एकदम से आ जाते हैं महाराजा बनकर कि हम ग्लोबल टॉप के बंदे हैं। पीछे का इन्हें कुछ भी याद नहीं होता, पीछे एक एक लाइट पास से एक बंदा तो कुछ बीच में ऐसा है, लाइट पास सारे लिए है कि वेजिस किया है, आईडी नहीं ना खोलते फिर, क्योंकि डबल रैंक टोकन बचे होते हैं, जितने डबल रैंक टोकन चाहिए ग्लोबल टॉप पे पुश कर लेते हैं और उसके पुश कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं भाई ये तो वही है ग्रैंड मास्टर वाला बंदा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सो बोस आयुष भाई पहले बताना, पहले आप कहाँ थे जब आपके पहले वाले 2 बैजेस हैं, 1 बैजेस हैं, 3 बैजेस हैं, इस सीजन आपके 45 बैजेस हो गए, एक दिन में आपने आके ग्लोबल टॉप पे कर लिया, ग्लोबल टॉप पे दिखते हो आप 67 लेवल हो गया। इस बंदे का पहले तो वो बैजेस इसके दिखते नहीं था, इस बार ये बैजेस में टॉप में आ गया ग्लोबल में, क्योंकि डबल रैंक टोकन हर कोई यूज़ कर रहा है गाइस। जो भी आपको ग्लोबल में 12 घंटों में टॉप में पहुंच के दिखाता है, मैक्सिमम बंदे मैक्सिमम से 100% गारंटी दे सकता हूं मैं, सारे डबल रैंक टोकन वाले होंगे, नो रैंक ड्रॉप टोकन वाले होंगे। इसे ग्रेना को ख़त्म करना चाहिए बस, उनकी आईडी में, उनकी आईडी में ये देखो जो बंदे फेयर खेल के पहुंचते हैं ना, उन्हें दिखता है वो गेम खेलते हैं अपनी, वो ग्लोबल के टॉप पे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड पे नहीं होते, लेकिन आपको 10-15 की ऐसी रेंज में देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो भी ऐसी बात करते हैं। तो गाइस ये रही कुछ ग्लोबल की रेस, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को व्यू से सब्सक्राइब कर देना, मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जस्ट पीस एंड बाय।